एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक हसनपुर में स्थित देहरी जट गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 11 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 15 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने नेपाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3000 की आबादी एवं 1300 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 348 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 135 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 37 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 6 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 117 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत देहरीजट, मैं नेपाल सिंह प्रधान, निवास स्थान दौलतपुर नहरी। जब से हम प्रधान निर्वाचित हुए हैं तो जो गाँव में ग्राम पंचायत में जो हमने जो विकास कार्य कराए हैं, रास्ते जो बनवाए हैं, जितनी निधि आई हमारी उसका जो उसी हिसाब से हमने रास्ते बनवाए हैं जो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी पहले। और अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पानी निकासी की है, जिससे क्या पानी निकासी के लिए हमें नाले बनवाने हैं, उनके लिए धनराशि की थोड़ी कमी चल रही है। और हमने जो विधवा पेंशन थी वो भी बनवाई हैं और आगे भी बनवाएंगे, कुछ रह रही हैं। और जो हमारे जो डीलर हैं वो भी समय से और बिल्कुल सही रूप में माला हरे कार्ड धारक को गल्ला समय पर देते हैं, गल्ला और तेल। और जो वृद्धा पेंशन है वो हमने लगभग 20-22 के आसपास में बनवा दी हैं और अब आगे भी और बनवाएंगे, बस यही। और आगे के लिए हमारी उसमें ग्राम पंचायत में एक तो स्वास्थ्य केंद्र की और एक पंचायत घर की थोड़ी दिक्कत है, वो है यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ रास्ते बनाए हैं, जो रास्ते गंदे पड़े थे, निकलना भी कैड़ा पड़े था, वो रास्ते सही करा दिए। यार ये बिजली के खम्भे कर रहा था हमारे, मैं रोहतास से दौलत को नहरी से बोल रहा हूँ। और जो है टायर भी लगाई हैं और जगह जगह हमारे पानी की बहुत व्यवस्था खराब थी, हैंडपम्प भी लगवाए हैं और जो है पानी का निकास नालियों में बहुत बढ़िया करा, जिससे हमारा जो है मोहल्ला